बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ और शहरियत छठी जमात के लिए। कदीम भारत में मज़हबी रुझानात पार्ट टू। वर्धमान महावीर के बाद हम देखेंगे अब बुद्ध मज़हब। बुद्ध मज़हब भारत और भारत से बाहर कई ममालिकों में फैला। गौतम बुद्ध बुद्ध मज़हब के बानी थे। गौतम बुद्ध किबल मसीह 483 से किबल मसीह 563। नेपाल में लुबनी के मुकाम पर गौतम बुद्ध पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सिद्धोषण और वालदा का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की पैदाइशी नाम सिद्धार्थ था। उन्हें इंसानी ज़िंदगी से मुकम्मल आगाही हासिल हो गई थी, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। इंसानी ज़िंदगी में दुख क्यों है, ये सवाल उन्हें बेचैन रखता था। इस सवाल के जवाब की तलाश में उन्होंने घर बार तर्क कर दिया। बिहार में शहर गया के करीब उर्विला नामी मुकाम पर वैशाखी की पूर्णिमा के दिन एक पीपल के दरख्त के नीचे मुराकबे में बैठे थे। उस वक्त उन्हें बौद्धि इरफान हासिल हुआ, बौद्धि यानी आला तरीन आगाही। उस पीपल के पेड़ को अभी बौद्धि वृक्ष कहते हैं। इस तरह उर्विला के मुकाम को बौद्ध गया कहते हैं। उन्होंने वाराणसी के करीब सारनाथ नामी मुकाम पर अपना पहला वास किया। उस वास में उन्होंने जो इंसानियत, उसे धम्म कहा जाता है, इस वास के जरिए उन्होंने धम्म के पहिए को रफ्तार दी, इसलिए इस वाक्य को पाली जबान में धम्म चक्र पौतन कहते हैं। संस्कृत जबान में उसे धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बाद के ज़माने में वो धम्म की नसीहत करने के लिए तकरीबन 45 वर्षों तक पैदल सफ़र करते रहे। इस तरह पैदल सफ़र करने को चारिका कहते हैं। उन्होंने अवामी जबान पाली में नसीहत की। बुद्ध धम्म और संघ की पनाह में जाने वाली तस्वीर की अहमियत रखता है। इस तस्वीर को त्रिरत्न कहते हैं। उनके बयान करदा धम्म का खुलासा ज़ेल के मुताबिक है। आर्य सत्य इंसानी ज़िंदगी के तमाम मालूमात दरअसल चार हकायक पर मबनी हैं। उन्हें ये आर्य सत्य कहा गया है। पहला है दुख। इंसानी ज़िंदगी में दुख होता है। नंबर दो, दुख की वजूहत होती है। नंबर तीन, दुख से निजात दूर किए जा सकते हैं। नंबर चार, प्रतिपद रास्ता, ये दुख को दूर करने का रास्ता है। ये रास्ता अच्छे चाल चलन का है और इस रास्ते को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। पंचशील गौतम बुद्ध ने 5 उसूलों पर अमल करने के लिए कहा है। उन उसूलों को पंचशील कहते हैं। नंबर एक, जानवरों को कत्ल करने से बाज रहना। नंबर दो, चोरी करने से इज्तनाब बरतना। नंबर तीन, गैर अखलाकी बर्ताव से दूर रहना। नंबर चार, झूठ बोलने से गुरेज करना। नंबर पाँच, नशावर चीज़ों से का इस्तेमाल से बचना। बौद्ध संघ अपने धर्म की नसीहत करने के लिए उन्होंने भुक्कों की एक जमात बनाई। अजवाजी ज़िंदगी को तर्क करके संघ में दाखिल होने वाले इन पैरोकारों को भिक्खु कहते हैं। बुद्ध की तरह भिक्खु भी पैदल सफ़र करके लोगों को धर्म की नसीहत करते हैं। खातिन की अलग जमात हुआ करती थी, इन्हें भिक्कोनी कहते हैं। बुद्ध मज़हब में सब तबकात अपनी जात को के लोगों को शरीक होने की इजाज़त। नसीहतों का खुलासा गौतम बुद्ध ने इंसानी अक्ल व शऊर को आज़ादी का ऐलान किया। तबके की बुनियाद पर आज इम्तियाजात से इनकार किया। पैदाइशी तौर पर कोई आला अदना नहीं होता, बल्कि अखलाक व आदात की बुनियाद पर इंसान का आला या अदना होना तय पाता है। इनका मशहूर कौल है कि नन्ही सी चिड़िया भी अपने हौसले में अपनी ही तरंग में चहचहाती है। ये कौल आज़ादी और मसावात से मुतालिक है। उनके गौर वख़ोज़ और फ़िक्र को उजागर करता है। उन्होंने नसीहत फरमाई कि मर्दों की तरह औरतों को भी अपनी तरक्की का हक हासिल है। यज्ञ जैसी रस्मात की मुखालफत की। अक्ल व दान वगैरह से मुतालिक कदरे इन जिनकी उन्होंने नसीहत की वो उनकी इंसानी फलाह व बहबूद की तकमील करता है। तमाम जानदारों के लिए रहम और हमदर्दी उनकी शख्सियत की गैर मामूली खसूसियात थी। गौतम बुद्ध ने सब्र तहमील की जो नसीहत की वो सिर्फ भारत के समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के लिए रहनुमा है। लोकाकियत या चार वाक दहराए के नाम से पहचाने जाते हैं। कदीम ज़माने का फिक्री रुझान भी अहम है। आज़ाद ख्याल पर इसका बड़ा जोर था। उसने वैद की सदाकत से इनकार किया। कदीम ज़माने में भारत की सरजमीन पर नित्य मज़हब सूटे फूटते रहे। एक अरसे गुजर के बाद यहूदियत, ईसाइत, इस्लाम और पारसी मज़हब भी भारत के समाज में फले और फूले। यहूदी मज़हब
यहूदी मज़हब के लोग पहली से तीसरी ईस्वी सदी के दौरान केरला में कोचीन के मुकाम पर आए होंगे। यहूदी एक खुदा को मानते थे। यहूदी मज़हब की तालीमात में अदलो इंसाफ, सदाकत, अमन, मोहब्बत, रहम, इनकसारी, वो खैरात और शीरी कलामी, खुददारी जैसे औसाफ पर जोर दिया गया। इनकी इबादत गाह को सिनागा कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईसाई मज़हब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई कहलाते हैं। यह मज़हब दुनिया भर में फैला हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक हवारी सेंट थॉमस पहली सदी ईस्वी में केरला में आए। उन्होंने त्रिशूर ज़िले में पक्कुयूर नामी मुकाम पर एक चर्च कायम किया। ईसाई मज़हब की तालीमात के मुताबिक खुदा एक ही है। वो हर किसी से मोहब्बत करने वाला है, सबका बाप है और वो सबसे ज़्यादा कुदरत वाला है। इस मज़हब के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और उन इंसानियों की फलाह व बहबूद के लिए ज़मीन पर आए थे। हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमें सब के साथ मोहब्बत करना चाहिए, दुश्मन के साथ भी मोहब्बत से पेश आना चाहिए, गलती करने वालों को माफ़ करना चाहिए। सारी बातें ईसाई मज़हब में बताई गई है। ईसाई मज़हब की मुकद्दस किताब बाइबल है। ईसाइयों की इबादत को कलीसा या चर्च कहते हैं। मज़हब इस्लाम। इस्लाम अल्लाह की वहदानियत को मानने वाला मज़हब है। अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवसत से अल्लाह ताला का पैगाम मुकद्दस किताब कुरान में पेश किया गया है। लफ्ज़ इस्लाम से मुराद अमन व सलामती है। इसका मतलब अल्लाह की ताला की पनाह में जाना भी है। मज़हब इस्लाम ये बताता है कि हम वक्त और हर जगह अल्लाह ही है। वो क़ादिर मुतलक है, वो रहमान और रहीम है। इंसान के वजूद का असल मकसद अल्लाह की इबादत करना है। इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारे इसका मुतालिक रहनुमाई कुरान पाक में की गई है। भारत और अरब ममालिक में ज़माना कदीम से ही तिजारत का ताल्लुकात थे। अरब के ताजिर केरला के साहिल की बंदरगाह पर आया करते थे। 7वीं सदी ईस्वी में अरब में इस्लाम की इशात हुई। इसी सदी में अरब ताजिरों के ज़रिए इस्लाम भारत आया। मज़हब इस्लाम की इबादत गाह को मस्जिद कहते। पारसी मज़हब। पारसियों और वैदिक तहजीब के लोगों में ज़माना कदीम से ही ताल्लुकात थे। पारसी मज़हब का मुक़दस किताब का नाम अविस्ता है। ऋग वेद और अविस्ता की ज़बानों में मुशाबत है। पारसी लोग ईरान के फारस या फारस नामी सूबे से भारत आए। उन्होंने पारसी नाम से जाना। वो पहले गुजरात में आए। कुछ लोगों की राय है कि वो 8वीं सदी ईस्वी में आए। ज़रतश्त पारसी मज़हब के बानी थे। हरमुज हरमन के नाम से उनका खुदा का जिक्र किया जाता है। पारसी मज़हब में आग और पानी दो अनासिर को बड़ी अहमियत हासिल है। उनकी इबादत गाह मुकद्दस आग रोशन की भी होती है। इस इबादत को अग्यारी कहते हैं। उम्दा ख्याल, उम्दा कलाम, उम्दा अमल, ये तीन अखलाकी उसूल पारसियों की तर्ज़ ज़िंदगी का मरकज़ व महवर है।